हेलो एवरीवन, सो आज हम देखेंगे कि SBO PO 2019 का हम फॉर्म कैसे फिल करेंगे। फॉर्म्स आ चुके हैं, सो लेट्स सी हाउ डू वी फिल द फॉर्म। फॉर्म फिल करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले bankersadda.com की वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद आपको यहां से bankersadda की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और आपको ज्वाइनिंग नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स पे क्लिक करना है। यहां पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा SBI PO 2019 अप्लाई ऑनलाइन। इस सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, SBI PO 2019 के बारे में लिखा हुआ है। आप ये सारी चीज़ें पढ़ भी सकते हैं, यू कैन रीड ऑल दीज थिंग्स। आपके FAQs, आप जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पे सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ गए हैं जहाँ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्योंकि आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आपने जैसे ही क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको देखना है कि आपकी जो एज है वो एकदम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है या नहीं। आपको जो फीस पे करनी है वो ऑनलाइन मोड से ही पे करनी है। आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब कंप्लीट होगा, जब आप रजिस्टर कर दोगे और अपनी फीस को पे कर दोगे। बैंक ऑल्सो रिजर्व्स द राइट टू अलॉट द कैंडिडेट टू एनी ऑफ द सेंटर अदर देन ही और शी हैज ऑप्टेड फॉर। जो आपने सेंटर किया है ऑप्ट, उसके अलावा भी बैंक आपको कोई और सेंटर दे सकता है, बैंक के पास ये राइट है। एडमिशन टू ऑनलाइन टेस्ट विल बी प्योरली प्रोविजनल विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अभी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए हैं। इनएलिजिबल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के पे अलाउ ही नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन प्रिंट आउट और फी रिसिप्ट आपको अपने पास रखनी है, आपको बैंक नहीं भेजनी, आपको अपने पास रखनी है। सारे पर्टिकुलर्स आपके पास होने चाहिए। सारे पर्टिकुलर जो आप फिल कर रहे हो फॉर्म में, उनमें आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, तो सारी की सारी चीज़ें आपको सही फिल करनी है। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आप फिल नहीं कर सकते। ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं अच्छे से। आपको यहाँ पे उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब हम इस फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट नेम मैंने फिल किया यहाँ पे अनुराग। इस नाम को मैंने फिर से कंफर्म किया, मैंने फिल किया अनुराग। मिडिल नेम मैंने कुछ भी फिल नहीं किया, मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। लास्ट नेम मैंने फिल किया बंसल। मैंने फिर से अपने लास्ट नेम को कंफर्म किया, मैंने फिर से यहाँ फिल किया बंसल। तो यहाँ पे मेरा फुल नेम आ गया अनुराग बंसल। यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर फिल किया 7903। उसके बाद मैंने इस मोबाइल नंबर को फिर से कंफर्म किया 790। मैंने अल्टरनेटिव नंबर वाले को ब्लैंक कर दिया क्योंकि मेरे पास कोई और अल्टरनेटिव नंबर नहीं है। आगे मैं बढ़ी, ईमेल आईडी, मैंने ईमेल आईडी को फिल किया। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी फिल की, मैंने फॉर एग्जांपल फिल किया निमिषा 1411। यहाँ पे मैंने अदर्स में गई, मैं यहाँ पे जीमेल को सिलेक्ट कर दिया, तो मेरी ये ईमेल आईडी यहाँ पे फिल हो गई nimisha1411@gmail.com। मैंने इस ईमेल आईडी को यहाँ पे कन्फर्म किया nimisha1411@gmail.com। उसके बाद मैंने इस कैप्चा कोड को फिल किया, मैंने देखा 6 लिखा हुआ है, M लिखा हुआ है, X लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है, M लिखा हुआ है। ऐसे मैंने ये सारी डिटेल्स को फिल किया, मैंने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, फिर से इस पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपको श्योरिटी है कि ये डेटा एकदम करेक्ट है। हाँ जी, हमें एकदम श्योरिटी है। हमने यहाँ पे ओके पर क्लिक। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है, यहाँ पर हमें अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए मैंने चूज़ फाइल क्लिक किया। चूज़ फाइल पे मैंने फ़ोटो देखा, मेरा फ़ोटो कहाँ पर है। मैंने डाउनलोड्स पे गई, हाँ मुझे फ़ोटो मिल गया। यहाँ पे मैंने इस चीज़ को ओपन कर दिया, यहाँ पे मुझे फ़ोटो मिल गया। अब हमें सिग्नेचर अपलोड करना है। हम चूज़ फाइल पे फिर से गए, यहाँ पे हमें सिग्नेचर मिल गया है। हमने इस फाइल को सिलेक्ट किया और हमने ओपन किया। लोड हो रही है हमारी फाइल, ये हमारा सिग्नेचर आ गया यहाँ पे। इसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अभी तक हमने दो स्टेप्स कर लिए हैं स्टूडेंट्स, हमने अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कर दी हैं, अपना अपना सिग्नेचर और फोटो को अपलोड कर दिया है। अब हम स्टेप नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब हम इसमें इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। मैंने कैटेगरी सिलेक्ट किया, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे।
मैंने यहाँ जनरल क्लिक किया है. आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी कोई भी नहीं है तो आप नो फिल करेंगे, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आप येस फिल करेंगे. अगर डिसेबिलिटी है तो उस डिसेबिलिटी की इंफॉर्मेशन आपको नीचे देनी है. इसके बाद हम सीधा इस पे आ जाएंगे, वेदर डोमिसाइल, क्या हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल है, अगर है तो येस, अगर नहीं है तो हम नो फिल करेंगे. रिलीजन टू विच यू बिलोंग, किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं हिंदू से बिलोंग करती हूँ तो मैंने यहाँ हिंदू मार्क किया है. आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं वहाँ करेंगे. क्या रिलीजन कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है, रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से क्या आप बिलोंग करते हैं, अगर नहीं तो आप नो फिल करेंगे. क्या आप एक्स सर्विस मैन हैं, अगर नहीं तो आप नो फिल करेंगे, अगर हाँ तो आप येस फिल करेंगे. पीरियड ऑफ सर्विस, अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं और आपने कितना पीरियड सर्व किया है वो आप यहाँ मार्क करेंगे. इसके बाद क्या आपने कभी डिफॉल्ट किया है, कभी आपने लोन लिया हो, पैसा नहीं दिया हो, अगर ऐसा किया है तो आप येस फिल करेंगे, अगर ऐसा नहीं किया तो आप नो फिल करेंगे. क्या आपके कैरेक्टर को लेके कोई खराब रिपोर्ट है, अगर है तो यस फिल करेंगे, अगर नहीं है तो नो फिल करेंगे. क्या आप पुराने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई हैं, अगर हैं तो यस फिल करेंगे, नहीं है तो नो फिल करेंगे. क्या आपने कभी बैंक से रिजाइन किया हो, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो आप नो फिल करेंगे. अपना आप यहाँ पे पैन नंबर फिल करेंगे, जो कि मैंडेटरी नहीं है, आप फिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं. नेशनैलिटी इंडियन ऑटोमेटिकली आ गई है. यहाँ पे आप अपनी स्टेट फिल करेंगे, आप किस स्टेट से हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं यूपी फिल करूँगी, स्टेट कोड अपने आप आ जाएगा. आप क्या एग्जामिनेशन का सेंटर चूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने सेलेक्ट सपोज किया मथुरा, तो मथुरा यहाँ पर आ गया. स्टेट और किस स्टेट से ये बिलोंग करता है, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तर प्रदेश यहाँ पे आ गया. सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आप दूसरा सेंटर क्या सिलेक्ट करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ आगरा सिलेक्ट किया, दो सेंटर्स मैंने सिलेक्ट किए. इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया 1st of June, मैंने ईयर सिलेक्ट किया फॉर एग्जाम्पल 1994. जेंडर मैं सिलेक्ट करूँगी, मैंने सपोज यहाँ पे सिलेक्ट किया फीमेल. मैरिटल स्टेटस मैं सिलेक्ट करूंगी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ सिलेक्ट किया मैरिड. फादर का फर्स्ट नेम मैंने फॉर एग्जांपल सिलेक्ट किया अनूप. उनका मिडिल नेम ज़रूरी नहीं है करना तो मैंने इसको छोड़ दिया. फादर का लास्ट नेम फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्ट किया अनूप बंसल. मदर का फर्स्ट नेम सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने किया मंजू. मिडिल नेम लास्ट नेम ज़रूरी नहीं है. स्पाउस, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ का आप नाम यहाँ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ फिल करेंगे, जो कि ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे आप अपना एड्रेस सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने एड्रेस डाला XYZ नॉर्थ एनक्लेव. उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने डिस्ट्रिक्ट डाला मथुरा. स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल स्टेट में मैंने फिल किया यहाँ पे उत्तर प्रदेश. पिन कोड आप सिलेक्ट करेंगे, मैंने डाला फॉर एग्जांपल 281001. उसके बाद आप एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, जहाँ पे वो अपना सामान भेजें वो सिलेक्ट करेंगे. मैंने यहाँ सेम ही रखा है कि वहाँ पे ये लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. चूज द एड्रेस फॉर GST invoicing के लिए आप सिलेक्ट एड्रेस सेलेक्ट करेंगे. हो सकता है आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, जहां आप अभी रहते हैं वहां वो सिलेक्ट करें, हो सकता है आप अपना परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट करें, आप कोई भी एड्रेस यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं. इसके बाद आप सेव करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे. अब आता है आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में, आपको फिल करना है क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशंस हैं. ग्रेजुएशन आपने की है या नहीं की है, अगर कर ली है तो आप पास्ट लिखेंगे, अगर आपने अभी अपीयर किया है और रिजल्ट आने में टाइम है तो आप अपीयर लिखेंगे. मैंने यहाँ पे पास्ट पे क्लिक किया. मैंने स्ट्रीम फिल किया, फॉर एग्जाम्पल मेरा स्ट्रीम साइंस है, मैंने साइंस फिल किया. मैंने यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कॉलेज का नाम फिल किया GLA इंस्टीट्यूट. कहाँ पर वो इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ मथुरा फिल किया. मैंने किस डेट को वो पास किया था, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फिल किया 17th January को 2014 में मैंने पास किया था. कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स मुझे मिले थे, मैंने यहाँ पे फिल किया 80.06% मार्क्स मिले थे. क्या क्लास से पास किया था, फर्स्ट क्लास से पास किया मैंने. क्या मेरे पास इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री है कि मैंने दो दो डिग्रीज एक साथ ली हूँ, ऐसा नहीं है. क्या मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगी. फॉर एग्जांपल जर्नलिज्म में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और बाकी की सारी डिटेल्स मैं फिल कर दूँगी. अगर नहीं किया तो मैं यहाँ पर क्या फिल करूँगी, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं फिल करूँगी, मैं अदर्स फिल कर दूँगी. अगर मुझे कुछ भी नहीं फिल करना तो मैं इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ दूँगी. इसके बाद हम अदर डिटेल्स पर आ जाएंगे.
क्या मुझे कोई ट्रेनिंग लेनी है? ये सिर्फ ट्रेनिंग एससी और एसटी, एससी एसटी या रिलीजियस माइनॉरिटी को दी जाती है। अगर ट्रेनिंग लेनी है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर ट्रेनिंग नहीं लेनी तो आप नो पे क्लिक करेंगे। क्योंकि मैंने जनरल कैटेगरी फिल किया था तो इसलिए मैं इसको फिल नहीं कर पा रही हूँ। और क्या सेंटर चाहिए मुझे ट्रेनिंग का, वो भी मैं यहाँ पर फिल कर सकती हूँ। कौन कौन सी लैंग्वेजेस मुझे आती हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे इंग्लिश आती है तो मैंने इंग्लिश लिखा यहाँ पर। मैं उसको रीड भी कर सकती हूँ, राइट भी कर सकती हूँ और बोल भी सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ हिंदी लिखा तो उसको मैं रीड भी कर सकती हूँ, राइट भी कर सकती हूँ, स्पीक भी कर सकती हूँ। अगर आपको तीसरी भी कोई लैंग्वेज आती है उसके बारे में भी आप लिख देंगे। इसके बाद आप सेव करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। अब कुछ दिक्कतें हैं, ये जो रेड में मार्क्ड है हमें एक बार इसको फिर से देखना पड़ेगा। कुछ हमारा पोर्शन बच गया है फिल करने के लिए, एक बार हम इसको देख लेते हैं कौन सा पोर्शन हमारा बच गया है फिल करने के लिए। एक बार हम इसको वैलिडेट योर डिटेल्स करते हैं, वेरीफाइड हो चुका है। एक बार इसको हम बैक पे आते हैं, बेसिक में हमारा कुछ बच गया था फिल करने के लिए तो हम एक बार इस पर वापस बैक पर आई। देखते हैं ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो हमने फिल ही नहीं की हो। आपको कैसे पता चलेगा कोई चीज़ ऐसी है जो आपने फिल नहीं करी है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टार मार्क होगा, वो चीज़ आपको फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं वही चीज़ स्टूडेंट्स चेक करती हुई जा रही हूँ कि कोई ऐसी चीज़ है क्या जो बच गई है जो मैंने फिल नहीं की है। एक बार इन डिटेल्स को वैलिडेट कर देते हैं। वन और मोर एरर्स आर फाउंड इन दिस पेज। यहाँ पे मुझे फिल करना है कि मैंने कितनी बार एग्ज़ाम को किया है, क्योंकि मैंने एक बार भी एग्ज़ाम को नहीं फिल किया, मैंने यहाँ पे ज़ीरो मार्क कर दिया है। और यहाँ देखिए स्पाउस का मुझे फर्स्ट नेम लिखना ज़रूरी है क्योंकि मैंने बोला था मैं मैरिड हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने स्पाउस का फर्स्ट नेम लिख दिया अंशी, अंशु। अब हम एक बार इस फॉर्म को फिर से वैलिडेट करते हैं डिटेल्स को। यहाँ पे वेरीफाइड हो चुकी है मेरी डिटेल्स। अब हम सेव एंड नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़े। ये हम ऑलरेडी पहले फिल कर चुके थे, फिर से हम सेव एंड नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़े। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आ गया। जो जो चीज़ें हमने फिल की हैं वो हम पूरा का पूरा यहाँ से देख सकते हैं। अगर मुझे कोई चेंजेस चाहिए तो मैं बैक पे जाके उन चेंजेस को कर सकती हूँ। यहाँ पे आप एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से चेक करेंगे, इस पर टिक करेंगे कि आई कन्फर्म दिस इज़ माई फ़ोटो, ये मेरी ही फ़ोटो है। आपने पूरा का पूरा फॉर्म को फिल किया, आपने पूरे का पूरे फॉर्म को चेक किया। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप आई अग्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंफर्म करेंगे कि ये मेरा ही सिग्नेचर है और आप इस फॉर्म को फाइनली सबमिट कर देंगे। अब इसके बाद आप कोई भी चेंजेस अपने फॉर्म में नहीं कर सकते। आपने फॉर्म को फिल कर दिया है, आपका फॉर्म पूरा का पूरा फिल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको पेमेंट करना है। मैंने कैप्चा टाइप किया JQMB4, मैंने इस पर सबमिट पर क्लिक किया। इसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे सबमिट करना है, मैंने यस ओके पर क्लिक किया और ये मेरा पूरा का पूरा सबमिट हो गया। अब पेमेंट करने के लिए आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, वॉलेट से भी कर सकते हैं और UPI से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना खुद का पेमेंट करना होगा। पेमेंट के से ही सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन डेट, मंथ एंड ईयर, CVC और कार्ड होल्डर के नेम के बाद आपको पेमेंट पर क्लिक करना है। आप पेमेंट करेंगे और आपका फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा हमें फॉर्म फिल कैसे करना है। और जितने भी लोग जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो फॉर्म फिल कर देंगे। थैंक यू।